प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सर, हर जगह के हालात हमसे बेहतर है, बांग्लादेश के भी बेहतर है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 2 बार भारत होकर आ गई जैसे ही गवर्नमेंट बनी है, और हमारे यहाँ तो हमने तो मुबारकबाद ही बहुत लेट दी थी, सब लोग इंतजार कर करके थक गए। नहीं, आरजू हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी रीजन में तो नहीं ना। कम से कम देखिए, आपके लूटने वाली एलीट कहाँ बैठी है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, लंदन से। हाँ, वो उनका ऋषि सोनक के साथ रिलेशनशिप होना होगा, दसवीं उनके साथ कम्युनिकेट करते होंगे। हमारा पिछला मुर्शिद 4 साल तड़पता रहा है, उसने मोदी साहब के साथ बात करने की बात नहीं की, तड़पता रहा है। बाइडन काल नहीं कर रहा, बाइडन उफड़ है ना इसका, 4 साल तड़पता रहा है कि बाइडन की काल नहीं। वो साथ पड़ोस में कौन सी तुम्हें काले कर रहा है यार, उधर तो वजह क्यों नहीं देते हो तुम? कौन सा ऐसा तुम्हारा नेबर है जिसके साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक है? चाइना रोजाना कहते हो बाप है हमारा, वो भी नाराज है, वो भी उनका मिनिस्टर आया उस दिन, उनका मिनिस्टर वो क्या नाम है उसका, चू जो था, मैं अभी उसका नाम बताता हूँ आपको, जिसने मीटिंग की है चाइना के मिनिस्टर जो आए, जिसके सामने सारे, उसने कहा सबको बुलाओ, कानों से पकड़ के लाओ, सारे आगे बैठ के सामने बिठा के उसने कहा बेइज्जती की। उसने कहा तुम्हारे इंटरनल जो मिसाइल जब तक ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी इकॉनमी किस तरह ठीक होगी? उसने आगे बुला के बिठाया, इनको सामने रख टेबल के ऊपर बिठा के उसने बातें की। और फिर उसमें हाँ, वो भी बता देता हूँ कि इस वक्त तुम ये अजम क्या है, ये दहशत गर्दी क्यों रोक रहे हैं, इसके पीछे भी पैसा है। वो क्या है, क्योंकि चाइना अब कहता है कि अगर मजीद जो पैसे मांग रहे हो, इतने बिलियन डॉलर, कभी कहते हो ट्रेन चलाओ, कभी कहते हो मोटरसाइकिल चलाओ, यहाँ कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, हमसे आके पैसे मांगते हो बिलियंस, पहले हालात तो ठीक करो। तो उन्होंने कहा है, हाँ यार वो बात तो ठीक है, वो अगर दुबई में तरक्की रुक जाएगी जब तक यहाँ पे अमन ना लाए कराए, तो वो सारे इकट्ठे होके कहते हैं यार, फ्राडिये सारे इकट्ठे होके उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे यार चाइना के लिए कुछ ना कुछ करो यार हमारे लिए, वरना डॉलर नहीं आ। सर ये तो कह रहे हैं पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बल्कि मुशाहिद हुसैन साहब भी कह रहे थे कि ऐसे ही कहा जा रहा है, जबकि इन्हें तो ठीक ठाक छितर पड़े वहां से चाइना से। इनके दौरा नाकाम आया, लेकिन उन्होंने कहा है ना, शीशा दिखाते हैं आगे से, जहां जाते हैं पैसे मांगने, वो कहते हैं अपने उपाय देखो यार, घर में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे जूते मारते हो सारा दिन, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, और हमसे कहते हो आपको बिलियन डॉलर वहां पे लेकर आओ जी, तरक्याती मनसूब किस चीज की बात, तरक्याती यार, तरक्की वहां होती है जहां अमन हो, जहां सुकून हो। अब मैं तरक्की की बात बताने लगा हूँ, अगली बात इसी पे बात कर रही थी। चाइना का डेलीगेशन गया, चाइना ने कहा भारत से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ से जी वो आप पैसेंजर फ्लाइटें शुरू कर लें। उन्होंने कहा जी हम पैसेंजर ट्रेन फ्लाइटें नहीं शुरू करेंगे, कार्गो फ्लाइट चलती रहेगी, ट्रेड होती रहेगी, लेकिन पैसेंजर फ्लाइटें नहीं करेंगे। इंटरेस्ट होगा अवाम की भलाई उनके सामने है। तेल सस्ता मिलता है, रशिया से ले लेते हैं, क्योंकि उसमें अवाम की भलाई, उस तेल को, उसके तेल की रसद को, उसके शिप्स को बचाने के लिए अगले रेड सी में चले गए 4 शिप लेके, लेकिन उसमें कौम की भलाई। आप तो लेकिन सर पैसा नहीं मांग रहे ना पूरी दुनिया से हमारी तरह, इन्हें तो डिक्टेशन आता है हमारे वालों को। तो खैर उसमें मैं क्या कंपैरिजन करूं, लेकिन पता है को सब जो दुनिया में पक रहा है, को अंधे नहीं है, बहुत स्मार्ट। मनी लॉन्ड्रिंग करना, फ्रॉड करना कोई इतना आसान नहीं है आरजू। मैं अगर ये हम लोग समझते हैं कि शायद ये बेवकूफ होंगे, बेवकूफ नहीं, बहुत वो स्पीड स्मार्ट, जो क्लेवर कहते हैं ना, दो लफ्ज वो देखे ना सर, वो दुबई लीक्स का आपने उस दिन कहा था एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा, कोई पूछ भी नहीं रहा, कहा पूछता भी नहीं उसको, कोई किसी को पता ही नहीं, बल्कि शट अप कॉल दी गई उसको दोबारा, उसमें से जो लोगों का नाम ना लेना। तो अगले दिन आपके जो उठा था वो जर्नलिस्ट, उसने कहा था कि जिसका 45,000 जिसकी तरह है उसका तुमने सिम बंद कर दी है, और दुबई लीक्स में जो करोड़ों अरबों खा गए हैं। आजकल वो मियां मिठू साहब की जो निकली है, सिर्फ चंद अकाउंटों के अंदर उस बंदे का 5 अरब रुपया मौजूद, सिर्फ चंद अकाउंट। खुदा मैं हैरान होता हूँ, मेरे जैसे बंदा तो 1 अरब लिख नहीं सकता, मुझे तो इतने नहीं पता इसके जीरो कितने हैं। इतना फ्रॉड, इतना धोखा, और फिर कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं उम्रे भी करके आया हूँ, मैं हर साल जाता हूँ, हज भी करता हूँ। मुझे मेरा 2 क्वेश्चन करूंगा आपको देखने वालों को,
धोखे से, फ्रॉड से, बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से जाके हज करना जायज है। देखें कितने गए सारे वहां हज कर, चोरी के पैसे से हज कर रहे हैं, करप्शन के पैसे से। दूसरा मुझे ये बताएं, सारा दिन मैं देखता हूं मेरे यहाँ आसपास जितने पाकिस्तानी फिरते सारा दिन हलाल मुर्गियां देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, हराम की कमाई से मुर्गी खरीद के हलाल हो जाती है, ये क्या 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 है आप, क्या है? मेरा क्वेश्चन है, हराम की कमाई से हलाल मुर्गी हलाल हो जाती है क्या? फिर इसमें आज तक मैं कल भी शाम को कहीं बैठा था, मेरे साथ काफी इंडियन दोस्त थे, पाकिस्तानी भी थे, मुख्तलिफ किस्म के मजाहब के लोग बैठे थे। काश कि आप समझ सकें, मजहब आपका जाती इशू है, आपका साथी कौन? हमेशा इंसानों से इंसानों वाले सवाल करो, खुदा वाले सवाल ना करो। इंसानों वाले सवाल क्या है? आपको आपने खाना खाया, आपको भूख लगी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप अच्छे लग रहे हैं, ये इंसानों ने। उससे ये पूछना, तू काफर है, तू क्या है, नमाज पढ़ी है, तूने हज किया है, तूने कितनी नमाज, तू जकात कितनी दी है, फिर उसको कह तू शिया है, तू काफर है, तू वापी है, तू काफर है, तो तू हिंदू है, तू काफर है, सारा दिन ये काम, सारा यही होता रहता है यहाँ। सारा हर एक के पास एक मीटर मौजूद है कि कहना मैं सच्चा हूं, मैं जन्नत में जा रहा हूं, तुम काफर हो। और सर यहाँ पे वो बेचारा टूरिस्ट गया था स्वात में, उसको मार दिया, और फिर कहते हैं कि जी यूएई और भारत बहुत कमा रहे हैं टूरिज्म से, तो हमारे कौन आएगा जल के मरने के लिए? मुझे, मैं आरजू परसू एक पब्लिक नेशनल टीवी पे, उसने मुझे क्वेश्चन किया, उसने कहा जी आप पाकिस्तान के बारे में आपका क्या है? मैंने कहा मेरा ख्याल आपसे क्वेश्चन करने का है, जब एक जिंदा इंसान को जला दें लोग और उसके साथ खड़ी होकर सेल्फियां बनाएं और वेस्टर्न मीडिया सारा उसको ट्रांसलेट करके देख रहा हो, वहां लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप अकल से अंधे हो चुके हैं। चाइना नहीं देख रहा वहां पे हालात क्या है, अमेरिकन लोग देख नहीं रहे वहां पे हालात क्या है, कौन जाएगा वहां? आप टूरिज्म की, इन्वेस्टमेंट की, किसी चीज की बात कर ले कि आपने उसके साथ, उस बंदे के साथ क्या किया है? एक जानती, किसी जानवर के साथ भी नहीं सोचा जा सकता ऐसा सलूक किया जाए। ट्रायल भी ट्रायल करते ना, प्रूव करते, वो जिनी दौर में बीमार हो सकता है, हो सकता है उसका किसी वेटर के साथ झगड़ा हुआ हो जिस होटल में कोई बात हुई है, हो सकता है किसी ने तो पुलिस स्टेशन के अंदर से निकाल के लेकर आए उसको, पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया। और उसके ऊपर भी मजे की बात है, कुछ नहीं होगा, जो FIR हुई है वो बेनामी हुई है, उसके अंदर ना अरेस्ट होगी ना पकड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं। और एक और बात बता दो, जिस मुआशरे के अंदर यहां इस तरह की चीजें होती, खुदा की उसके ऊपर लानतें बरसती सुबह शाम, जहां इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया, बल्कि मैं तो तौबा करता हूं तो जानवरों से भी जैसा नहीं करता। मैं तो आरजू जिंदा चीज की, मैं तो मक्खी मारने से पहले दो दफा सोचता हूं यार ये जानदार, इसको उड़ा दो यार, मारो ना इसको। लोग क्या करते हैं पता नहीं, किस तरह ये जिंदा है, कहां जाएंगे, कौन से खुदा में और किस मजहब में इनका बिलीव है, मेरे तो ये सोचों से चीजें अबव है, मैं इसमें क्या आपको बताऊं, मेरे लिए अफसोस है। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद आला साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आएंगे, जहां पे इन्होंने भारत के बारे में तो बात की पर पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं वो भी आपको बताए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।